एम्बुलेंस विवाद में सियासी संग्राम जारी है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक और वीडियो जारी किया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव का दावा है कि राजीव प्रताप रूडी लिखे एक एम्बुलेंस से मरीज नहीं बालू की ढुलाई हो रही है। अब एम्बुलेंस विवाद का पूरा मामला समझिए। बिहार में एम्बुलेंस पर सियासत जारी है। कोरोना काल में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लोगों की मदद की अपील की। वहीं जब पप्पू यादव बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव पहुंचे तो देखा कि छपरा के अमनौर में विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र परिसर में 2 दर्जन एम्बुलेंस खड़ी हैं। सभी को कवर करके रखा गया था। पप्पू यादव ने सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और सरकार पर क्या आरोप लगाए, सुनिए। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? पप्पू यादव के आरोप का राजीव प्रताप रूढ़ी ने खंडन करते हुए कहा कि जिले में करीब 80 एम्बुलेंस हैं। वर्तमान में इसमें 50 परिचालन में हैं। कई स्थानों पर पंचायतों के एम्बुलेंस को ड्राइवरों ने छोड़ दिया था। बावजूद इसके पर्याप्त संख्या में केंद्रीकृत सांसद कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस सारण जिले में चलवाया जा रहा था। पप्पू यादव कोविड के दौरान ड्राइवर दें और एम्बुलेंस चलवाएं। सारण बिहार ही नहीं, देश का पहला ऐसा जिला है जहां इतनी संख्या में सांसद निधि के एम्बुलेंस पिछले 5 सालों में संचालित किए जा रहे हैं। छपरा के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के कहने पर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने पूरे 40 ड्राइवर के साथ मीडिया के सामने आए। आप भी देखिए। देखिए लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें। उधर राजीव प्रताप रूढ़ी ने 8 मई को ट्वीट करते हुए कहा कि वर्षों से टोल फ्री नंबर 1800-345-6222 द्वारा संचालित सांसद निधि के एम्बुलेंस हजारों मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जन सेवा का हजारों में से एक उदाहरण। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।